रेलवे बंद है तो भी क्या करेंगे, आ सकते हैं ना सर, भाग रहे कहाँ? जैसे कि आप देख सक रहे हैं अभी भी लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। हर बार की तरह मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो पब्लिक जवाब नहीं देती, भाग जाती है। उधर के गाड़ी रुका था इसलिए अभी आ गए, क्या करें। नमस्कार दोस्तों, कलवर टीवी 9 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज मेगा ब्लॉक है, ये बहुत बड़ा मेगा ब्लॉक है, 36 घंटे का मेगा ब्लॉक लगाया गया है। इसके कारण पब्लिक थाने स्टेशन से पैदल चल के आ रही है कलवा स्टेशन तक पटरियों पे। लोग अपना जान जोखिम में डाल के ये कदम उठा रहे हैं, इतना खतरनाक खौफनाक कदम उठाया जा रहा है। आइए जानते हैं पब्लिक से। सर आप क्यों आ रहे हो, आप क्यों आ रहे हो पटरियों से? क्या करेगा भाई साहब, अभी रेलवे बंद है तो भी क्या करेंगे, आ सकते हैं ना सर? रेलवे बंद है तो अपना ऑटो चालू है, बस चालू है, तो आप अपना जान जोखिम में डाल के इस पटरियों पे क्यों आ रहे हो? अभी बंद है ना, अभी तो कोई आगे पीछे तो है नहीं रेलवे। चलो कोई रेलवे का दिक्कत है, आना पीछे आगे कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, अभी तो शॉर्टकट जा सकते हैं ना। रेलवे बस में जाएगा तो पौना घंटा आधा घंटा बस में खड़े रहो, बैठने को नहीं मिलता है। रिक्शे में 1 का 4 भाड़ा मांगते तो कौन देगा भाई? इस दौरान अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई मालगाड़ी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं वो तो हम लोग देख के चल रहे हैं ना भाई, क्या है क्या नहीं है। सैकड़ों आदमी का, लाखों आदमी है डेली का, अभी 2 दिन से परेशान है हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 दिन से लोग परेशान है, यहाँ तक कल भी सुबह का 2 बजे तक बंद रहेगा, कल आदमी 2 बजे तक भी परेशान रहेगा। कि अगर आदमी को कुछ हो जाता है दुर्घटना तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर आप अपना जान जोखिम में डाल के पटरियों से क्यों आ रहे हो, जवाब देना पड़ेगा। सर भाग रहे कहाँ? जैसे कि आप देख सक रहे हैं अभी भी लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। हर बार की तरह मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो पब्लिक जवाब नहीं देती, भाग जाती है। आप कहां भाग रहे हो सर? एक और शख्स भागते हुए नजर आए आपको, कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि पब्लिक की गलती है। यहां ऑटो चालू है, बस चालू है, फिर भी नहीं आएंगे, पटरी से आएंगे। यहां की जनता कभी नहीं सुधर सकती। सर अभी गाड़ी बंद है तो मजबूरी में आना पड़ रहा है। बस भी है सर, ऑटो भी है, फिर भी पटरियों से। अभी क्या करें सर जी, यहीं पे पास में उतर के गाड़ी रुका था इसलिए अभी आ गए, क्या करें। अभी वहाँ थोड़ा से दूर पड़ता था, यहीं पे कॉर्नर पर उतर गए इसलिए आ गए। अगर इस दौरान कोई ट्रेन पीछे से आके अगर ठोक देती है, अगर आप कुछ दुर्घटना हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर ज़्यादा नहीं, अभी तो गाड़ी पूरी बंद ही है ना, पूरा थक दी तो इसलिए नहीं। माल गाड़ी तो चालू है, गलती तो है, मेल चालू है। हाँ नहीं आना चाहिए, मेल नहीं है सर तो सारा बंद है। फास्ट ट्रेन भी चालू है, खाली स्लो ट्रेन बंद है? नहीं नहीं पूरा बंद है, पूरा बंद है। नहीं ये बंद है ना, आप थाने स्टेशन से आ रहे हो, वो वहाँ ब्रिज के पीछे से पूरा ट्रेन चालू है। हम लोग थाने स्टेशन से नहीं आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हो? तो ये इधर से आ रहे हैं, इधर अपने अभी थाना स्टेशन के जो यहाँ पे मुड़ान पे ट्रेन बंद हुआ ना, इधर से हम लोग आ रहे हैं। उधर उधर कैसे ट्रेन खड़ी हो गई? खड़ी थी, हमेशा खड़ी होती है वहाँ ट्रेन, खड़ी नहीं होती, स्लो हुआ, हम लोग उतर के फिर आ जाए, वहाँ पे जाना फिर आ गएंगे, इसलिए गलती है, मानना पड़ेगा, इस सब करना पड़ेगा, थोड़ा ये नहीं करना चाहिए सर, इस ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10 रुपया 15 रुपया लगेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगता ऑटो और बस का जी, तो आप बस अपना जान जोखिम में डाल के मत आइए। आपके फैमिली है, परिवार है, दो रोटी कमाने जाते हो आप, जी थोड़ा केयर करो। थैंक यू सर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ गरीब जनता रहती है, दो रोटी कमाने जाती है, इसलिए ये रोज ट्रेन से आते हैं। आज इनके पास पैसा नहीं है तो ये गलत कदम उठा रहे हैं, पटरियों से आ रहे हैं, इनका सामना करना पड़ रहा है मेगा ब्लॉक के कारण। आप देख सकते हैं मेगा ब्लॉक के कारण कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इन मासूम जनता को।